खामोश हो जाओ। अगर किसी ने शोर डाला तो उसे दूध भी नहीं दूंगा और उसे भगा दूंगा, घटिया लोग ना हो तो। एक दूध देता हूँ, ऊपर से मैं आप लोगों के नखरे बर्दाश्त करूँ मैं। ये लो दूध, पैसे जमा कराओ। अंकल ये एक लीटर से दूध थोड़ा है। लेना है तो लो वरना दफा हो जाओ, मेरा दूध मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं अंकल मैं पैसे देता हूँ। जल्दी जमा कराओ पैसे जल्दी। भाई मुझे दे दे दूध। देता हूँ सब्र करो, देता हूँ सब्र करो। ये लो 2 लीटर दूध और 200 रूपए जमा कराओ। हैं भाई हर जगह 80 रूपए लीटर मिल रहा है, आप 100 रूपए दे रहे हो, कोई खुदा खौफी करो। अच्छा ये बात है, वापस करो मेरा दूध और दफा हो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। यार अगर मैं यहाँ से दूध नहीं लेता मुझे साथ वाले गाँव जाना पड़ेगा और मेरा टाइम भी जाया होगा और पेट्रोल का खर्चा भी ज्यादा है। इस तरह करता हूँ इसी से दूध ले लेता हूँ। ठीक है भाई आप 100 रूपए लीटर में दूध दे दो। क्यों आ गया तुम्हारा दिमाग ठिकाने? अब तुम रुको, सबसे आखिर पे तुम्हें दूध मिलेगा, लाइन में लगो। अगले दिन है मुझे तो ये दूध वाला लगता है। भाई एक मिनट रुकना। जी भाई। भाई आप दूध वाले हो? जी भाई दूध वाला। एक मिनट रुको मुझे आपसे काम है। जी भाई आ जाओ। भाई ये आप दूध कहाँ लेके जा रहे हो? भाई ये मैं साथ वाले गांव में बेचने जाता हूँ। अच्छा भाई मैं अगर ये दूध लेना चाहूँ आप मुझे बेच दोगे? जी जी भाई अगर आप ये दूध ले लेंगे तो मुझे आगे सफर नहीं करना पड़ेगा। भाई ये 2 लीटर दूध है। अच्छा चलो फिर ठीक है भाई, ये सारा मुझे दे दे। ठीक है भाई अपना बर्तन तो ले आए। आप इधर रुके मैं बर्तन लेके आया। भाई दूध इसमें डाल दो। भाई अगर आप दूध बढ़ा लो तो मैं सारे गांव वालों को कहूंगा वो दूध आपसे लेंगे। चलो ठीक है मैं कल से दूध ज्यादा ले आऊंगा, आप सारे गांव वालों को बोल दे। हाँ चलो ठीक हो गया। अगले दिन अंकल आप मुझे आखिरी दफा दूध दे दे, आइंदा से हमने आपसे दूध नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आइंदा हमने दूध किसी और दूध वाले से लेना है। हैं मेरे अलावा और कौन यहाँ पर दूध बेच रहा है? वो देखे अंकल वो जा रहा है न्यू दूध वाला, आइंदा हमने उससे लेना है, उसका दूध बहुत खालिस होता है। इसकी इतनी जुर्रत, ये मेरे इलाके में आके दूध बेचे, इसका भी हल कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये दूध वाला कल कैसे दूध लाता है। अगले दिन आज मेरा दूध पहले से ज्यादा गाढ़ा है। हैं? ये कमबख्त आज फिर आ गया। हैं? इसका मैंने साइकिल भी पंचर कर दिया था, ये फिर भी दूध सर पे उठा के ले आया। अब इसका कोई ऐसा काम करता हूँ ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ ये है वो हल इसका, ये टीका उसकी गाय को लगाऊंगा, उसकी गाय दूध देना ही छोड़ देगी। खैर है भाई आज आपने दूध सर पे उठाया हुआ है। यार वो ना रात मेरे साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए, इसलिए आज मैं सर पे उठा के लाया। हैं? दोनों टायर कैसे पंचर हो सकते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे पता है ये किसका काम है। यार तो बताओ ये किसका काम हो सकता है? यहाँ पर कोई नहीं है, अब दिखाता इस टीके का कमाल। आजो शिकार अपना हाथ में आने वाला है, अब देखते हैं इस टीके का कमाल। अच्छा